बनाने बोल रहा है, वो किस पे बोल रहा है, उसका लॉजिक क्या है, तब तक आप कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि पैलिंड्रोम किसको बोलते हैं, और अगर पैलिंड्रोम नहीं पता तो आप प्रोग्राम नहीं बना सकते। सबसे पहले समझते हैं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम का प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है पहले से, अब इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे
क्लियर स्क्रीन पिछला आउटपुट क्लियर करता है, जो भी हम प्रिंटर पे लिखते हैं वो ऐसे पिछले आउटपुट पे प्रिंट हो जाता है। तो क्या लिखा हुआ है, एंटर एनी नंबर, तो आपकी आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा एंटर एनी नंबर। तो मैंने नंबर एंटर करा दिया और वही वेरिएबल लिखा जाता है जिसमें हमको इनपुट लेना, तो इनपुट हमको एन में लेना था, इसलिए हमने स्कैनर में यहाँ पर एन को रीड करवाया। अब यहाँ पर देखिए एक्स इज इक्वल्स टू एन लेयर, मतलब एक्स में भी हम कौन सी वैल्यू आ गई 121, क्यों लिया ये समझेंगे, हम रिवर्स की वैल्यू जीरो इनिशियलाइज करें ताकि कोई गार्ड टाइम वैल्यू रिवर्स में वैल्यू से ना स्टोर। अब जो मेन प्रोग्राम चालू होता है वो यहाँ से चालू होता है कि वाई एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो एन की वैल्यू क्या है, ये तो जीरो के बराबर नहीं है, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो नीचे आएंगे आर इज इक्वल्स टू एन मॉड 10। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर स्टोर करता है। जब हम 121 मॉड 10 करेंगे तो हमको रिमाइंडर मिलेगा 1, तो एन मॉड 10 किया रिमाइंडर मिला 1। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर स्टोर करता है, तो R की वैल्यू अभी क्या होगी 1। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ, रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स इनटू 10 प्लस R, तो रिवर्स की वैल्यू वहां पे 0 हुई है, तो 0 इनटू 10 प्लस R, R की वैल्यू 1 थी, तो 0 इनटू 10 0 प्लस 1 तो 1, तो अभी रिवर्स की वैल्यू क्या होगी 1। Thank you.
अगर स्लैश हमें यहाँ पर नहीं लिखा होता तो जस्ट इसी के बाद उसे यहाँ पर लिखते हैं कि 121 इज पैलिंड्रोम। तो कैसे चेक हुआ पैलिंड्रोम, हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया यहाँ पर, रिवर्स रिवर्स का नंबर जो हम कर रहे थे इसके पहले भी सेम कॉन्सेप्ट लगाया, बस उसमें एक कंडीशन और डाल दी इवेंट्स की कि अगर जो रिवर्स ऑफ नंबर आया है वो नंबर जो हमने इनपुट किया था उसके बराबर है तो नंबर पैलिंड्रोम है, नहीं तो नंबर पैलिंड्रोम नहीं। ठीक है, अब बिना किसी नंबर पैलिंड्रोम के उसके इधर और चेक करके देख लेते हैं। हम नंबर एंटर कराते हैं